नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्ट कॉपी फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं तो फिज़िकल कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी हो गई है। तो इसी न्यूज़ को जो है हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने जो है सभी जो पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के वो कवर किए हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही जो है फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है। देखिए, काफ़ी लोगों को पता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, हार्ड कॉपी वो होती है जो पेपर फॉर्म में होती है, जिसको आप पढ़ सकते हैं पकड़ के, बुक फॉर्म में या पेपर फॉर्म में होती है, जिसपे कि अक्षर लिखे जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं, चाहे वो प्रिंटर की वजह से हो चाहे हाथ से लिखे हों। लेकिन सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कि आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे पढ़ते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। यदि कोई भी पेज है आप उसको, या अखबार आप, एक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यदि अखबार है आप उसको पढ़ रहे हैं हाथ में लेकर के, तो वो उसकी एक न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी कहलाएगी। लेकिन यदि आप उसी की फ़ोटो खींच के जो है अपने मोबाइल में पढ़ते हैं तो वो उसी की जो है सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप मोबाइल के कैमरे से भी यूज़ कर सकते हैं, कई सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें तो उसको जो है हार्ड कॉपी को जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कई तरह के फॉर्मेट्स भी होते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स हैं, PDF हैं, तो कई तरह के फॉर्मेट्स जो हैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हुए उनका फॉर्मेट देना पड़ता है। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए, सर्कुलर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है कि जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है या पार्टी इन पर्सन है, यदि वो फाइल करते हैं अपने कोई भी पिटीशन या डॉक्यूमेंट्स, तो उनको फिजिकल फाइलिंग के साथ साथ जो है सॉफ्ट कॉपी फाइलिंग भी करनी होगी। ये देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है सर्कुलर आया था, और आज मैं हूँ आपके सामने इस न्यूज़ को दे रहा हूँ। अब फिजिकल फाइलिंग जो है, देखिए, पिटीशन होती है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जब फिजिकल फाइलिंग होती है तो उस टाइम जो है, जब फाइलिंग होती है तो उनका जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें, उसको नोटिफाई किया जाता है एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। तो वही प्रोसीजर जो है अभी भी फॉलो होंगे, जो फिजिकल फाइलिंग के टाइम के प्रोसीजर से वो अभी भी वही फॉलो होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे फाइलिंग होती है फिजिकल फाइलिंग, वो वैसे ही होगी। और उसके साथ साथ जो है रीफाइलिंग आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, जब वो डिफेक्ट्स आपको बता देते हैं कि इसमें ये डिफेक्ट्स हैं, ये उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उस टाइम जो है आपने जो है हार्ड कॉपी के साथ साथ जो है अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है पिटीशन की प्लस अपने जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी इंक्लोज करनी है। अगले उस पर चलते हैं हम अपने, कि एक अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लायंस टू बी एनक्लोज्ड विद रीफाइल्ड हार्ड कॉपी, यानी कि जब आप रीफाइलिंग करेंगे हार्ड कॉपी की तो आपने एक अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लायंस भी देनी है। तो ये जो है एक नई चीज़ आई है कि एक अंडरटेकिंग भी आपने देनी है। देखिए, अब हम आते हैं कि हमने अपनी जो सॉफ्ट कॉपी की पिटीशन है वो कहाँ पर देनी है, किसको देनी है। देखिए, उसके लिए कोई भी जो है अलग से ऑफिस नहीं बनाया गया है जैसे कि फिज़िकल फाइलिंग का होता है, लेकिन एक ईमेल आईडी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर्कुलर में मेंशन किया है, और हम उसी पे चलते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी टू बी सेंड टू ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी पे सेंड करनी है, और ईमेल आईडी ये जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है सर्कुलर में, soft.petition@scci.nic.in। तो इसी ईमेल आईडी पे सभी ने जो है जो भी फाइलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो है सॉफ्ट कॉपी की पिटीशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने भेजनी है ईमेल आईडी पे, और साथ ही उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर लिखना है इस ईमेल आईडी का, वो ये लिखना है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ पिटीशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स इन डायरी नंबर, उनका जो भी डायरी नंबर है वो उन्होंने लिखना है, और साथ में लिखना है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ पिटीशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स इन डायरी नंबर। और जो टेक्स्ट होगा, जो नीचे उन्होंने अपना सब्जेक्ट मैटर के नीचे जो टेक्स्ट लिखते हैं जहाँ पे बॉडी होती है, वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, और वेरिफिकेशन जो है उन्होंने मेंशन की है कि कैसे लिखनी है, वो ये है, द सॉफ्ट कॉपी ऑफ पिटीशन एंड द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स इन डैश पेजेस आर ट्रू एंड कंप्लीट कॉपी ऑफ पिटीशन एंड द डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो ये जो है वेरिफिकेशन भी जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उसका नाम आएगा, उसका कोड आएगा, और उससे सिग्नेचर आएंगे, वो डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे, हो सकते हैं,
तो ये जो है सारी चीज़ें जो हैं उनको अपनी ईमेल में मेंशन करनी पड़ेंगी, सॉफ्ट कॉपी जब उन्होंने भेजनी है। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो सॉफ्ट कॉपी चली जाएगी तो एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल उनको आएगा और वो रिटर्न ईमेल कौन करेगा, एडिशनल रजिस्ट्रार आईबी का। तो ये जो है एक प्रोसीजर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो बना दिया है इसमें कि ऑनलाइन फाइलिंग के लिए या ऑनलाइन जो सॉफ्ट कॉपी फाइलिंग के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। इस स्टेप को बढ़ावा देने के लिए जो है उन्होंने जो है प्रिंटिंग चार्जेस भी जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं। पहले जो है वो प्रिंटिंग चार्जेस से 1.5 रुपीज़ पर पेज और अब जो है वो 0.75 रुपीज़ पर पेज, तो यानी कि अब जो है 50% जो है उन्होंने उस चीज प्रिंटिंग चार्जेस को माइनस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, डिस्काउंट कर दिया है। फॉर फाइलिंग फॉर केसेस फाइल थ्रू ई फाइलिंग मोड, ये देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं अब जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जुलाई, आज 28 जुलाई है 2020, यानी कि आज से जो है ये सभी चीज़ें इफेक्ट में आ गई हैं कि कोई भी आपने फाइलिंग करनी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो हार्ड कॉपी के साथ साथ जो है सॉफ्ट कॉपी भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। ये देखिए ये जो है पूरा का पूरा सर्कुलर है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जो चीज़ें सारी मैंने बताई हैं वो इसी में दी हुई हैं, तो आप जो है मैं इसको जो है अपने नीचे जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है वो दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप उस वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं, इसको अपलोड करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी कर दिया है और मेरी ये उम्मीद है कि ये जो आने वाले टाइम में जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही जो है नहीं रहेगी सीमित, और ये जो है धीरे धीरे जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक भी ये जो है वो लेके जाएंगे इसको। ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए आज की डेट में कोरोना की डेट में जो है कोर्ट्स ही एक ऐसी जो है एक रह गई है इंस्टीट्यूशन जिसमें कि अभी भी जो है रिस्ट्रिक्टिव जो है काम हो रहा है, क्योंकि कोर्ट्स में हर दिन जो है हजारों जो है लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, स्टाफ आता है, जजेस आते हैं, तो एक ऐसा एक वहाँ पे एक माहौल होता है कि वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है इतने लोग हैं वहाँ पे कि वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस करके इसको जो है अब जस्टिस भी प्रोवाइड करना है लोगों को, लोगों की जो ग्रीवेंसीज हैं, जो लिटिगेशंस चल रही हैं या जो नई लिटिगेशंस आ रही हैं उनको भी देखना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अब सॉफ्ट कॉपी की फाइलिंग भी जो है वो उन्होंने जो है मैंडेटरी कर दी है, और धीरे धीरे जो है ये नीचे लेवल तक जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक जो है ज़रूर आएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं अभी या लिटिगेंट्स जो हैं अभी उतने टैक्स सेवी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ये एक अच्छा स्टेप है कि ये चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मल एक रूटीन में आएंगी लोगों के लिए, एडवोकेट्स के लिए भी, कि वो उसको सीखें, और जो अगर वो नहीं एक्सटेंसिवली सीख सकते हैं तो कुछ अपने ही जो उनके स्टेप्स हैं 5-10 स्टेप्स हैं जो वो कर सकते हैं जिससे कि फाइलिंग हो जाएगी या ऑनलाइन जो है उनकी प्रोसीडिंग्स जो हैं हो जाएंगी, तो वो जो है वो कर पाएँ ताकि एक जो है स्मूथ फ्लो चलता रहे लीगल साइड से भी जो है और कोर्ट्स की तरफ से भी जो है। तो ये थी आज की न्यूज़ हमारी कि मैंडेटरी कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्ट कॉपी फाइलिंग हार्ड कॉपी के साथ। तो ये थी आज की न्यूज़, अगली बार ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।